नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। याद कीजिए, ये वही भाजपा व उसके नेता हैं जिन्होंने 2014 में शहीद हेमराज के कटे सर के नाम पर वोट मांगे थे और 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे वे सरकार बनाई थी। लेकिन अब चुनाव नहीं है, इसलिए शहीद के घर से चंद कदम की दूरी तक एक शादी में सीएम आ जाते हैं, लेकिन उनके घर तक जाने की जहमत नहीं उठाते। चुनाव के समय ये फिर शहीदों के नाम पर अपनी दुकान चलाने का काम करेंगे। शहीदों के नाम पर वोट मांगने, शहीदों के नाम पर सरकार बनाने वाली भाजपा के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हाल ही में शहीद हुए दमदमा निवासी आकाश खटाना के घर से कुछ कदम दूरी पर दमदमा में स्थित 5 सितारा होटल ताज में दावत तो उड़ा गए, लेकिन उन्हें शहीद के घर वालों को सांत्वना देना याद नहीं रहा, या फिर उन्होंने शहीद के घर जाना जरूरी नहीं समझा। सोना के दमदमा गांव के शहीद हुए आकाश खटाना को श्रद्धांजलि देने न पहुंचने को लेकर दमदमा गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दमदमा गांव के शहीद हुए आकाश खटाना को श्रद्धांजलि देने के लिए अवश्य जाना चाहिए था। पिछले एक साल में मां भारती की रक्षा करते हुए दमदमा गांव के 2 जवानों ने शहादत दी है, इसीलिए मुख्यमंत्री को अवश्य ही यहां आना चाहिए था। उस समय नहीं आ सकते थे तो अब तो जरूर जाना चाहिए था। श्री यादव ने कहा कि आकाश खटाना ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, पूरे प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि शहीद आकाश खटाना के अंतिम संस्कार में सरकार का कोई नुमाइंदा व प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। और अब मुख्यमंत्री 5-स्टार होटल में शादी समारोह में तो आए और शहीद परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंचे, जबकि सरकार बोलती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि करीब 6 महीने पहले दमदमा गांव के राज सिंह भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उस समय स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह व सरकार की तरफ से बोला गया था कि दमदमा गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा सैनिकों की खान है, यहाँ शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिसमें से कोई शहीद नहीं हुआ हो। गांव दमदमा ने भी कई जवानों की शहादत दी है। मुख्यमंत्री को अवश्य ही दमदमा गांव में आना चाहिए था और समय न आ सकते थे तो अपना कोई प्रतिनिधि यहां अवश्य भेजना चाहिए था। तो आइए आपको दिखाते हैं जब सीएम दमदमा गांव में 5-स्टार होटल में एक शादी समारोह में आए और दमदमा गांव शहीद आकाश खटाना के घर पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे तो वहां के युवाओं ने, ग्रामीणों ने उनके काफिले को काला झंडा दिखाया। तो आइए चलते हैं दमदमा। सीएम तो सब तो आ गई गया। सभी तरह की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।